यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी है, इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, चैन कैसे बिल्कुल रफ़ हो रखी है। यहाँ देखिए इसकी चैन कैसे रफ़ है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो गंदगी होती है वो यहाँ इस जगह होती है, चैन इंजन के आरएच कवर के नीचे, क्योंकि यहाँ जो अपन ऑयलिंग चेन स्प्रे करते हैं वो सारा गिरता है इधर नीचे, तो वो सबसे ज़्यादा गंदा यहीं पर रहता है। अब इस गाड़ी में देखिए चेन स्प्रे हुआ ही नहीं है कभी, चेन पूरी सूखी है, कंडीशन देख सकते हैं आप, ठीक है। आप देखिए एकदम ड्राई चेन है जैसे, और पूरी गाड़ी के जो इंजन में है देखिए यहाँ पर ऑयल जम जाता है, यहाँ नीचे ऑयल लग जाता है, यहाँ पर ऑयल होता है, इस जगह होता है, ये पैकिंग के यहाँ पे होता है, इस जगह होता है यहाँ पर ऑयल, और एक और जगह होता है मीटर केबल के यहाँ पर अंदर की तरफ, तो बताएंगे ये चीज़ देखिए मीटर केबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हुआ रहता है। ये पूरी कंडीशन है गाड़ी की, कंडीशन आप देख सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये आप एक बोतल में डीजल लेंगे, डीजल लेके एक छेद कर दीजिए पॉलपिन से, और फिर सीधा आप इस पे चेन पे डालिए, चेन पे डालते ही देखो आप आवाज़ चेन की बंद होगी। चेन को अच्छे से पूरा गीला कर देना है डीजल से, आपको एक मिनट तक डीजल स्प्रे करना है ताकि अच्छे से चेन में डीजल चला जाए। अब देखिए हमने सभी जगह डीजल लगा दिया है इस पर, अब दो मिनट इसको आप छोड़ दीजिए, ताकि क्या है कि जितना भी ऑयल वो जमा हुआ रहता है ना वो गल के वो सॉफ्ट हो जाएगा एकदम। अब आप स्टार्ट करके एक बार और गियर में डाल लेंगे, और अब आप चेन के नीचे अब जब हम पानी मारेंगे, जब आप देखना है कि कितना मिट्टी और ऑयल निकलता है काला,